सीधा रखना है, छेड़ना नहीं है, खाना नहीं है, हिलाना नहीं है। 2 मिनट के लिए आँखें आटी का लो, सीधा मेरे लिए फालतू रेडी। भाग्य तो अपनी गारंटी नहीं, पैसे पूरे लेंगे अपने, वो भी 69-70 मत देना। एक बार बोलूंगा मेरे भैया हल्की सी टाइट करो, आपको टाइट करनी है। एक बार बोलूंगा मेरे भैया हल्की सी खोलो, आपको खोलनी है। जल्दी बोलिए, निकलने वाला है। लंबा गोल, लंबा एक बार आप हल्की सी खोलने का कष्ट कीजिए, मैं डालूंगा। मैं ऐसे नहीं खोलते भी, आपने गलत खोली, कभी भी खोलो ऐसे खोलो। Enjoy the meal, भैया। कौन सा बर्गर है ये? मियां खलीफा भैया। मियां खलीफा बर्गर कौन है? मियां खलीफा कौन है ये? ये रात को देखेंगे बैठ के कौन है। अच्छा, फिलहाल बर्गर में फोकस करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आज मियां खलीफा बर्गर लेने जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक नाम है, मैंने पहली बार सुना। हमारे बर्गर को बटर मच्छर सेक दिया है। तो भैया आइडिया कैसे ऐसे बर्गर लगाने का? आइडिया भैया ऐसा है कि एक फ्रेंड है मेरे, मैंने उनको पहले बहुत सारे बर्गर खा दिए, तो बर्गर खाने खाते 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 उनको अलग चाहिए कुछ जो कहीं ना हो। अच्छा, हर बाइट में अलग स्वाद, हालत बीसी वाले तो बच्चों भी सुनने वाले का अच्छा लगे और खाने वाले को मजा आए। ठीक है, तो उनको कलाया, तो लास्ट में हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये बर्गर पास हो, तो उन्होंने बोला यार बर्गर दो सोले, मगर इसके आगे सब फेल। मगर फिर मियां खलीफा तो नहीं फेल? हाँ। बोले वो नहीं, मतलब बराबर टक्कर का, मगर नाम मियां खलीफा है। अच्छा, मियां खलीफा के टक्कर का ही है। बिल्कुल भैया, दिल खुश हो जाएगा खाओगे तो। ये भैया सूखा आ गया, ये सूखा मसाला। हाँ, मसाला भैया सूखा। अच्छा, कुछ और मत समझिए सूखा। ठीक है भैया, ये आ गई ग्रीन चटनी, चटनी आ गई हरे वाली। अच्छा, बोले नरम और गरम। नरम और गरम, हाँ देखो बिल्कुल ऐसे पिंगलता जाएगा आदमी, हल्का 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 स्लोली स्लोली पिंगलेगा। ये सख्त चटनी आ गई, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिनका बॉयफ्रेंड नहीं है, सख्त लौंडों के लिए। नहीं, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं, जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है, दोनों के लिए। ये कैचअप आ गया भैया, ये आ गया टमाटो कैचअप। हाँ बेटा, दवा दो 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 साइड में कर ले दो उनके लिए। ये भैया आपके दो आगे, मेरे दो नहीं, मतलब आपके वो दो आलू की टिक्की। अच्छा, आलू की टिक्की। हाँ भैया, हाँ ये भैया अब काम सारा स्टार्ट अमूल का। ठीक है, ये अमूल की चीज भैया, हंसते हंसते खा। नरम हो रही है अभी तो, सख्त ही ऐसा नहीं के तो कोई। ये हर बर्गर की शान नूडल्स, नूडल्स भी आती है हर बर्गर भी, हर बर्गर वो कस्टमर पे डिपेंड करता, नहीं खाता तो उस पर हम। ये अभी निकलेगा हल्का हल्का, हल्के हल्के निकलेगा। हाँ, आराम से टाइम लगता है हर चीज़ को निकलने में। ये भैया चिटके चिपोटले, भैया आपके हाथों में जादू है, मेरे को लग रहा है जादू मेरे हाथों में नहीं है। भैया आप हैंड जो बड़ी अच्छी कर रहे हो, मजा आ रहा है। प्रैक्टिस एक्सपीरियंस बता रहा, अब सारा एक्सपीरियंस यहाँ निकल रहा ना, निकल चुका है, जितनी उम्र थी हर काम की कर लिया। अब सारा फोकस काम पे है, हर जगह बंद, हर जगह बंद, सब बंद। ये मिक्स सोसेज आ गई भैया, ये भैया अफ्रीकन सोस पैरी पैरी, ना तो अफ्रीका आप जाओगे ना मैं जाऊँगा। तो ये बर्गर आप दिन को खिलाते हो कि रात को खिलाते हो? खाने वाले पे डिपेंड करता है वो कब खाता है। मियां खलीफा है ना। अच्छा, मस्त तो कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा, सोच अगले की है वो, उसको कब क्या चाहिए, कभी भी खा सकता है, कभी भी अगला कुछ कर सकता है भैया। मियां खलीफा है, चीज निकल चुका है, चीज क्यों नहीं, चीज बाहर आ रही है अभी, निकल रही है। निकला नहीं, अब निकले, निकलेगा, अब निकलेगा, निकलेगा, अब दिखाऊंगा कैसे निकलता है। वैसे हाथ दिखाना एक बार अपना, सख्त है, नरम हाथ है बिल्कुल, अब मजा आएगा भैया के हाथ। ये आप कभी जम्मू गए हो ना भैया, कलाड़ी खाइए ना, योर राइट ब्रो। अगर देखा जाए ना, अमूल चीज बहुत लेट आई है, कलाड़ी पहले आई, क्योंकि मेरा ननिहाल भी उससे, तो मैं जब भी छुट्टी होती है, कभी घूमने जाते हैं भाई, अभी तो बहुत टाइम से गया नहीं, तो कलाड़ी कुलचा बहुत है। अब भैया हमारे जादू को दो डिब्बे आ चुके हैं, ये रात के 12 बजे का मसाला है। अच्छा, ये अकेले में बनाते हैं, ज्यादा जोर से मत दबाओ ना इसको। दबाया नहीं, आप देख क्या रहे हो? अच्छा, दबाया ही नहीं है, आपको लग रहा है हर चीज दबा का से रहा हूँ मैं। यार भैया यार, आप ऐसा बोलते आराम से डालो। अच्छा, तब मुझे आप मुझे अच्छी लगती, दबाया तो मैंने कुछ भी नहीं यार, आप मेरी भावनाओं के साथ खेल गया। आराम से डालो चटनी। हाँ, ये अच्छा लगा मुझे तुम्हें, ये सबके प्यार का बना हुआ मसाला। भैया जैसे इसका नाम है वैसा टेस्ट तो मिलेगा ना इसका? आप तक मिल ही रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं, आप देख ही रहे हो कितने लोग खड़े हैं, ये सब शक्ल देखने तो नहीं आ रहा। उठाऊं भैया? क्या हूँ क्या? हाँ ऐसे बोलो ना, चीज उठाओ, बोलो उठाओ। हाँ भैया, अपना उठा दो चीज। अब मेरा तो उठा पड़ा है, ये देखो उठ गया ना। हाँ। एक झटके से, अब आपका नहीं उठेगा, एकदम कलाड़ी की तरह हो गया। बिल्कुल भैया, चीज छोटी थी, अमूल बड़ा निकालने में टाइम लगा रहा है। आप दिल्ली चलो, आपको दिल्ली, हाँ दिल्ली है, दिल्ली के छोले कुलचे फेमस है, छोले कुलचे का तड़का फेमस है, अब तड़का लाइए। अब चलो चक दे फट्टे 90 किल्ली, रात को मियां खलीफा के बाद सुबह दिल्ली। तो प्याज कट चुका है, कट की भी गया और गिर भी गया। टमाटर सूखा मसाला आ गया, पैसा वसूल है खाने वाले का। तो आप भैया चाहते हो किसी दिन मियां खलीफा के खुद आपका बर्गर खाए? उस दिन जिस दिन खा जाएगी ना आगे, हाँ। उस दिन डबल पैसे आपसे लूंगा। क्यों, आप ही लेके आओगे ना? तो मेरे पास वो कैसे आएगी, अब तक तो आई नहीं, एक साल हो गया। ये आपके दो वापस टमाटर के पीस तड़के वाले, हर चीज दो दो भैया, हंसते खेलते लीजिए। तो भैया प्राइस कैसे सोचा आपने? 69 रुपीज़। 70 ऑडियंस देती नहीं है। अच्छा, और जनता से हम मांग नहीं सकते, कुछ नई चीज चाहिए हमारे को लाने के लिए। तो काफी सारी इसमें स्टफिंग है, बहुत ही देख सकते हो,
भर दिया भैया ने ऊपर तक। मैं अभी अभी कहाँ है, पकड़ाऊंगा मैं आपको, पर शर्त में नियम लागू है। बर्गर ही पकड़ूंगा मैं और मेरे पास कुछ पकड़ाने लायक है ही नहीं, बर्गर ही है भैया। आप गलत क्यों समझ रहे हो हर बात को, सब कस्टमर खड़े हैं, हर चीज खड़े हैं, देखा करो ये वापस बटर या अभी तड़का देंगे आपको रात को एनर्जी ड्रिंक आ रहा है। तवे पे नहीं नहीं अभी आपके आप सब कलियां आपके हाथों में चलेगी, देना दो मिनट के अंदर अंदर। तो बढ़िया सा बटर में अच्छे से सेक दिया है, अब इसको ले चलो उस साइड। हाँ भैया साइड ले चलो, कपड़े डलवाएंगे इसको। तो फाइनली रेडी हो चुका भैया? नहीं 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 अब तो गेम स्टार्ट है। अच्छा। अभी तो 30% और बाकी है। अच्छा 30% और बचा है। हाथ दीजिए वो वाला दीजिए जिसमें आज अपना रोज पकड़ते हैं फोन, है ना, आज इस हाथ दीजिए। इस हाथ में आपको बेडरूम दूंगा और तकिया दूंगा, ठीक। ये बेडरूम आ गया, ये बेडशीट आ गई, इसको ऐसे ही रखना है। सुबह रूम सर्वेंट आएगा वो लेके जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, चादर गंदी करके फेंकने का काम है, ठीक है। जाइएगा मत, एक मिनट रुकिएगा जी। कैसा लेना चाहेंगे आप बताइए मुझे, जल्दी बोलिए, निकलने वाला है। लंबा गोल लंबा एक बार दूंगा, अच्छे से दूंगा आपको। थोड़ा नीचे ले जाइए, हाँ फिर रखिए आप, थोड़ा एक लाइन को अच्छे सुनाते हैं आपको, ठीक है, सुनिएगा दूर दूर से। सीधा रखना है, छेड़ना नहीं है, खाना नहीं है, हिलाना नहीं है। दो मिनट के लिए आँखें आटी का लो, सीधा मेरे के लिए फालतू रेडी। भाग्य तो अपनी गारंटी नहीं, पैसे पूरे लेंगे अपने, वो भी 69-70 मत देना। ये सब काल्पनिक घटना है, वास्तविक को लेन देनी है। मैं दो बार वापस आऊँगा, डिस्टर्ब करूँगा, मेरी बात का गुस्सा मत मानना। गुस्सा वहाँ मानना जब मानने वाली चीज़ होगी, ठीक है। एक बार बोलूँगा मेरे भैया हल्की सी टाइट करो, आपको टाइट करनी है। एक बार बोलूँगा मेरे भैया हल्की सी खोलो, आपको खोलनी है। टाइट करने की और खोलने की प्रक्रिया अच्छे से करना। अगर आपको रास्ते में दिक्कत होती है तो मेरे छोटे भाई को आजमाना, छोटे भाई का छोटा एक्सपीरियंस है अभी, गलत नहीं, हाँ एक्सपीरियंस छोटा है, बर्गर बनाने में हाथ कम चलता है उसका, ठीक है। टाइट करना और खोलना ओनली बर्गर की ऊपर को लेयर को, कुछ और मत टाइट करना, कुछ और मत खोलना, जमाना बहुत खराब है। खोलना ओनली बर्गर की ऊपर की लेयर को, बंद करो टाइट करना, ठीक है। अब वापस नहीं जाओगे, एक बार आपने लंबा लिया था, एक बार गोल देते हैं आपको, कैसा लगता है? फूल कौन से पसंद है भैया? हाँ गुलाब, कमल का गुलाब बोलते हैं ना, जिसमें आदमी का कटता है अक्सर, वो 10 रुपये का फूल आता है, आदमी को जिंदगी भर काटता रहता है, जैसे भाई कट चुका है, ये बता नहीं सकता किसी को दर्द होना। ये बेडरूम आ गया, बेडशीट आ गई, तकिया आ गया, मियां के लिए पगा आपके हाथों में आ गया, हल्के लिए फूलों की बारिश कर रहे हैं। मेरे फेवरेट फूल सफ़ेद वाले, सस्ते आते हैं, सुंदर आते हैं, रात भर टिकते हैं। हमारे पास टिकाऊ चीज़ चाहिए, छोटी चीनी चाहिए हमारे को, ठीक है। ये हल्के हल्के फूलों की बारिश कर रहा हूँ, जब आपका दिल भर जाए आप रोक सकते हैं, ज़्यादा कुछ किया ही नहीं अभी। लो ये भैया हमारा एनर्जी ड्रिंक आ गया, बूस्टर, रास्ते में दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर वे में जाएगा जैसे जाना चाहिए। आप हल्की सी खोलने कष्ट कीजिए, मैं डालूंगा, खोलिए जल्दी खोलिए भैया। नहीं भैया ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं खोलते भैया, आपने आपने गलत खोली, कभी भी खोलो तैसे खोलो। Enjoy the meal, तो फाइनली मियां खलीफा बर्गर यहाँ पे लग चुका है। तो आप देख सकते हो भैया ने एकदम पनीर की बारिश कर दी हुई है, इसके अंदर आप देख सकते हो टिक्की डाली हुई है, चीज डाला हुआ है, वेजीज डाली हुई है और चाउमीन डाली है, काफी सारी चीजें, काफी सारी सॉसेस है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इनका जो बर्गर है काफी चीजी है, काफी फ्लेवरफुल है और जो इन्होंने सॉसेस यूज किया है काफी टेस्टी हो रहा है। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 69 रुपीज। भैया आपकी शॉप की टाइमिंग बता दीजिए। भैया किसी को अगर आना हो, जयपुर का वासी है तो उनको द टेस्ट ऑफ पंजाब स्वर्ण पथ चौराहे पे आ जाओ, अगर कोई बाहर से आता है तो स्वर्ण पथ चौराहे मध्यम मार्ग पे आगे, किसी को बोल लो द टेस्ट ऑफ पंजाब वाली दुकान कहाँ मिलेगी, बोले तो बर्गर वाले भैया, अगर बोले तो बीसी वाले भैया, समझते हैं सब आज के टाइम बीसी किस बोलते हैं, ठीक है। टाइमिंग हमारा रहता है 3:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बाद प्रभु इच्छा तक, कि 10 बजे बाद माल पे डिपेंड करता है कि नहीं, बाकी 3:30 बजे आपको रेडी मिलेगा हमारा। बीच में कितने दिन ओपन रहती है भैया? वैसे 7 दिन ओपन रखते हैं, कभी कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए, मियां खलीफा का अर्जेंट फोन आ जाए या कुछ हो जाए तो कभी कभार बंद होता है, वैसे करते नहीं है, बहुत कम चाहता है कि अभी शादी नहीं है हमारी। तो अगर आप भी जयपुर में रहते हैं, विजिट कर रहे हो और बढ़िया सा बर्गर खाना चाहते हो तो इनका मियां खलीफा बर्गर टेस्ट कर सकते हो। तो अब मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।